डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब किसी सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस की जाती है और उस सब्सटेंस से अगर हमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है तो उस सब्सटेंस को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में 100 sugar मॉलिक्यूल्स होता है, ऑलिगोसेक्राइड में 2 to 10 sugar मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑलिगोसेक्राइड को फॉर्म करते हैं एंड मोर देन 10 sugar मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड मेनली 2 types के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जनरली जो हमें नॉर्मली पॉलीसेक्राइड्स मिलता है, प्लांट सेल्स में स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है एंड एनिमल सेल में ग्लाइकोजन मिलता है। ये जितने भी पॉलीसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड है, एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो इन्हीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़कर पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब भी एक शुगर मॉलिक्यूल जिसमें 6 carbons होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, वो दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर कार्बन शुगर है, फर्स्ट नंबर कार्बन है एंड सेकेंड शुगर का जो फोर्थ नंबर कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है जिसमें H2O निकल जाता है और फॉर्म करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। नाउ वी डिस्कस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो फूड जाता है माउथ में और वहां पे सलाइवा से मिक्स होता है। तो सलाइवा में होता है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज जो कि मेनली डाइजेस्ट करता है स्टार्च का। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेनली प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और फॉर्म करता है अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन को। देन बाद बोलस फॉर्म होता है और बोलस ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। तो स्टमक में एससीएल सिक्रीशन होने की वजह से एसिडिक पीएच होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज था उसकी जो एक्टिविटी थी वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द लो पीएच इन द स्टमक। तो वहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। देन उसके बाद काइम फॉर्म होता है और वो जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में उस एसिडिक काइम को अल्कलाइन काइम में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि मेनली स्टार्च और डेक्सट्रिन को डाइजेस्ट करता है। उसके डाइजेशन के बाद कुछ फॉर्म होते हैं डाइसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद वो जो काइम है, जो डाइजेस्टेड काइम है, वो अपर ड्यूडेनम में पहुंचता है। वहां की म्यूकोसल लाइनिंग में कुछ एंजाइम होते हैं जिनको ओलिगोसेक्राइडेज एंड डाइसेक्राइडेज कहते हैं। वहां पे ये एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि मेनली है सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज। इनमें से आइसोमाल्टेज है जो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है और लास्ट में फॉर्म होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो इस तरह पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। नाउ वी डिस्कस absorption of the carbohydrate. So absorption of carbohydrate upper jejunum of the small intestine में होता है, जो mainly 3 types से होता है, simple diffusion, glucose transporters के through and sodium dependent absorption. तो simple diffusion में क्या होता है, solute high concentration to the low concentration move करता है। तो जब intestine की lumen में high concentration होता है glucose का तो वो automatically by diffusion सेल में डिफ्यूज कर जाता है। एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये कई टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड थर्ड है सोडियम डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो डाइजेस्टेबल होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज फॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेनली
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन जो कि मैमल्स में डाइजेस्ट नहीं होते, तो ये एक्ट करते हैं एज अ फाइबर और ये इंक्रीज करते हैं बोवेल मोबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को, और ये स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो नाउ वी डिस्कस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो इंटेस्टाइनल की एपिकल मेम्ब्रेन में कई एसग्लूट सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं जो कि सोडियम को एंटर करवाता है इंटेस्टाइनल सेल में। तो जब सोडियम का एंट्रेंस हो रहा होता है इंटेस्टाइनल सेल में तो साथ ही साथ ग्लूकोज भी एंटर कर जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल सेल में। तो इस तरह से इंटेस्टाइनल सेल में सोडियम और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नाउ ग्लूकोज और सोडियम को ट्रांसपोर्ट होना होता है कैपिलरी में, तो ये सोडियम कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल पे पाया जाता है। इस प्रोसेस में 3 सोडियम मॉलिक्यूल कैपिलरी में एंटर करते हैं और इसके एक्सचेंज में दो पोटेशियम मॉलिक्यूल इंटेस्टाइनल सेल में एंटर करता है और इस प्रोसेस में एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से सोडियम कैपिलरी में पहुंच जाता है। अब जो ग्लूकोज है जो कि इंटेस्टाइनल सेल में अब्सॉर्ब हुआ है वो ग्लूट 2 की हेल्प की वजह से पहुंच जाता है कैपिलरी में। एपिकल मेम्ब्रेन पे ग्लूट 5 पाया जाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 जो कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कराता है। एस ग्लूट को इनहिबिट करता है फ्लोरोजीन जो कि एक ड्रग है, इसको लेने से एस ग्लूट इनहिबिट हो जाता है। साथ ही साथ ग्लूट 2 भी इनहिबिट होता है विद द साइटोकैलेसिन बी जो कि इनहिबिटर है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ वी डिस्कस डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो कि है लैक्टोज इनटॉलरेंस। मेनली लैक्टोज डाइजेस्ट होता है इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विद द एक्टिविटी ऑफ द लैक्टेज। तो लैक्टेज लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, लेकिन जब इस लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है तो लैक्टोज ये रिएक्शन नहीं हो पाता, लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लैक्टोज एक्यूमुलेट होने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये पहुंचता है लैक्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वहां पे कई तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लैक्टोज को खाने लगते हैं और फॉर्म करते हैं कार्बन मेटाबोलाइट्स लैक्टिक एसिड। लैक्टोज 6 कार्बन का होता है, तो ये 6 कार्बन में 3 कार्बन से बनता है लैक्टिक एसिड, 1 कार्बन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसमें हाइड्रोजन फॉर्म होता है एंड साथ ही साथ 2 कार्बन से बनता है एसिटिक एसिड। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड एसिटिक एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को। जो मेन रीजन होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप का होता है। प्राइमरी में सीवियर लैक्टेज डिफिशियंसी एंड लो लैक्टेज डिफिशियंसी होती है। सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ड्यू टू द इंटेस्टाइनल डिसीज, जैसे कि सीलियाक स्प्रू एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस में सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस देखा जाता है। इस डिसीज में भी लैक्टेज डिफिशियंसी हो जाती है। जो मेन सिम्टम्स है लैक्टोज इंटॉलरेंस का वो है डायरिया एंड फ्लॉटुलेंस। जो डायग्नोसिस की जाती है वो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट एंड स्टूल एसिडिटी टेस्ट के थ्रू की जाती है, मेनली ये बच्चों में की जाती है। मैनेजमेंट क्या है कि पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कर्ड या योगर्ट ले, क्योंकि कर्ड में लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि मेनली लैक्टोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और पेशेंट को कहा जाता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें और अगर उन्हें कभी सीवियर डायरिया हो जाता है तो उनको ORS सॉल्यूशन को दिया जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं कमेंट में सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।